नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ योगिता। स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल बोल्ड स्काई में। न जाने ऐसी कितनी समस्याएं होती हैं जिनके कारण गले में जलन शुरू हो जाती है। आमतौर पर एसिड रिफ्लक्स के कारण ये समस्या पैदा होती है, लेकिन कुछ समस्याएं जैसे जुकाम, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल या खाने की नली में कैंसर आदि के कारण भी गले में जलन रहना शुरू हो जाती है। इसके चलते व्यक्ति को बोलने में दिक्कत महसूस होती है, साथ ही वे खाने और निगलने में कठिनाई महसूस करता है। चलिए बात करते हैं गले में जलन के कारण के बारे में। अत्यधिक शराब का सेवन करना। जो लोग अधिक मात्रा में शराब पीते हैं उनमें अधिक मात्रा में एसिड बनने लगता है, जिससे पेट में बना अम्ल भोजन नली में आ जाता है और छाती में व गले में जलन पैदा कर देता है। गले का कैंसर हो जाना। कई मामलों में निगलने के दौरान दर्द और जलन महसूस होती है। यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपके भोजन की नली कैंसर ग्रस्त हो गई है। एसिड रिफ्लक्स। गले में जलन एसिड रिफ्लक्स के कारण भी हो सकती है। इस स्थिति में पेट में बना अम्ल भोजन नली में आ जाता है, जिसके कारण जलन पैदा हो जाती है। बता दें कि यह स्थिति तब पैदा होती है जब नली और पेट के बीच का खुलने या बंद होने वाला यंत्र ठीक से अपना काम नहीं करता और खाना गले में जाने लगता है। इन्फ्लुएंजा। यह वायरल इन्फेक्शन गले संबंधित समस्याओं को पैदा करता है। इनके लक्षणों में गले की जलन भी शामिल है। टॉन्सिल में फोड़ा होना। बता दें कि जब गर्दन या सिर में संक्रमण हो जाता है तो गले के पीछे के हिस्से में पस जमा हो जाता है, जिसके कारण निगलने में कठिनाई महसूस होती है और गले में जलन पैदा हो जाती है। तो दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।